नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कहानी है। एक बार शिवजी के गण नंदी द्वारा आज्ञा का पालन नहीं करने पर माता पार्वती नाराज हो गई। तब उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे। तब उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से अपने लिए एक पुत्र का निर्माण किया और उसका नाम गणेश रखा। और फिर वो स्नान करने चली गई और बाहर अपने इसी पुत्र को खड़ा कर गई। उन्होंने बालक को समझाया कि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और माता पार्वती के पास जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी माता नहा रही हैं। भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि पार्वती मेरी पत्नी है तो मुझे अंदर जाने से रोक नहीं सकते, पर वह बालक नहीं माना। यह देखकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद माता पार्वती ने दो थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंत्रित किया। तब दूसरी थाली देखकर शिवजी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह थाली किसके लिए है। माता पार्वती बोली, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। क्या आपने आते वक्त उसे नहीं देखा? भगवान शिव ने कहा, पर मैंने तो उसे मार डाला। पार्वती जी को जब इस बात का पता लगा तो वह बाहर आकर रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि यह तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती जी को मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सर चाहिए होगा। इसलिए उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो उसके बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई भी माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह कर सोती है। अंत में उन्हें एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर इस प्रकार का होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुंह कर नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सर ले आए और भगवान शिव ने उस हाथी का सर उस बालक से जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार कर दिया। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर लगा। सभी गणों का स्वामी होने के कारण भगवान गणेश को गणपति कहा जाता है। गज यानी हाथी का सिर होने के कारण इन्हें गजानन भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।